दुकान है बाबा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से न्यू जर्नी पे जा रहा हूँ। ये जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो भाई लोग, मेरा जर्नी स्टार्ट हो चुका है नांगल खोला का। हम सनी और मेरा एक दोस्त है और पीसा लोग पीछे आ रहे हैं। तो चलिए, ये जर्नी बहुत ही रोमांचक होने वाला है। चलिए दोस्तों, तो नेपाल में एंट्री मार दी है, ये जट्ठी बॉर्डर हुआ। तो दोस्तों, हम लोग जट्ठी बॉर्डर पे हैं अभी, मतलब नेपाल में पड़ता है। तो इंडिया से नेपाल में एंट्री मार दी है। अब यहाँ से बस पकड़ के जाएंगे, जनकपुर जाएंगे फिर वहाँ। तो भाई लोग, जनकपुर बस स्टैंड उतर गए, अब यहाँ से बर्दीवास का बस पकड़ेंगे। तो दोस्तों, हम लोग बर्दीवास में उतर चुके हैं, अब यहाँ से नांगल खोला के लिए बस पकड़ेंगे और वहाँ पे भोला बाबा का दर्शन करेंगे। वहाँ से रात्रि के शुभ अवसर पे तो वहाँ जाएंगे। वहाँ पे एक छोटा सा गुफा में भोला बाबा खुद प्रकट हुए हैं, तो वहाँ जाके दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे और जो जैसा होगा वहाँ का पूरा अच्छा से सीन लेंगे और आप लोग को दिखाएंगे। तो भाई लोग, इस पुल पे हम लोग उतरे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा कमला नदी में फ्रेश व्रेश होके थोड़ा खाना वाना खा के उसका इसमें नहाएंगे, इसमें पूरा शुद्ध होके उसके बाद 4-5 घंटा का रास्ता है, ट्रैकिंग है, 4-5 घंटा चलेंगे लगातार और पैदल, उसके बाद रात में पहुँचेंगे। तो भाई लोग, हम लोग घर से लेके आए हैं आलू का पराठा भुजिया, अब चलेगा इधर आपका चलाएगा। इस वादियों में आके खा के बहुत अच्छा लग रहा है। तो सनी जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। विजय जी, अब इससे बेहतर क्या हो सकता है? अब इससे बेहतर क्या हो सकता है? वाह। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नहाना। यहाँ पे गड्ढा है, तो चलिए दोस्तों। पानी के अंदर रह सकता है जी। मैं विजय, सनी और ये सोनू। चले 1 2 3 स्टार्ट। सोनू उठ गया गाइस, सोनू गेम को हार गया है। ये देखिए कैसे है भाई। दोनों एक साथ ही निकला है गाइस, मैच टाई होते हुए। तो दोस्तों, हम लोग नहा सुना लिए अच्छा से, अब चलते हैं नांगल खोला बाबा के पास। तो अब जर्नी स्टार्ट हो गया पहाड़ पे चढ़ने वाला। तो अभी से ट्रैकिंग करते करते हम लोग 8 बजे रात तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, यहां से जर्नी स्टार्ट होता है हम लोग का। अब चलते हैं ऐसे करके पहाड़ कर करके 4-5 गो पहाड़ हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हम लोग का चढ़ान स्टार्ट होता है। इधर आप पहाड़ी ब्लॉक, तो यहाँ से चलते हैं, देखते हैं कितना देर लगता है। अभी 2:30 बज रहा है, तो देख सकते हैं दोस्तों बहुत मुश्किल लग रहा है ऊपर जाने में। ऐसे सफ़र शुरू ही हुआ है। तो दोस्तों, रास्ता इधर से है लेकिन ये शॉर्टकट के चक्कर में इधर से जा रहा है। अब मुझे भी जाना ही पड़ेगा, कोशिश करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बोल बम। भाई, ओ भाई साहब, शॉर्टकट मारे और आए ऐसा अच्छा ब्यूटीफुल सा नजारा पे। दिस इज व्यू ऑफ नेपाल नांगल खोला। एंड अभी हम ये सब खोला, बहुत गर्मी है ना, जल्दी पानी
देख सकते हैं चढ़ान क्या फट गया, दीवार फट गया। तो देख सकते हैं दोस्तों ये लोग का पता नहीं आगे क्या फटेगा, अभी तो फिलहाल वो फट गया है जो आप सोच रहे हैं। मेरा तो हालत खराब है, शकल से ही देख रहे हैं। दरभंगा गए उतना नहीं थके, आज इतना थक गए। हम नहीं समझते हैं भाई नेपाली है। हिंदी में बोलो तो रास्ता उधर से है लेकिन शॉर्टकट के चक्कर में जा रहे हैं इधर से। अब चलिए देखते हैं शॉर्टकट लॉन्ग कट ना पड़ जाए। अब दोस्त लोग बोला है चलने के लिए जंगल से, तो जा रहे देख सकते हैं पूरा फॉरेस्ट फॉरेस्ट। ओ भाई साहब एकदम असली एडवेंचर हो रहा है भाई लोग। तो दोस्तों शॉर्टकट तो लॉन्ग कट पड़ गया हम लोग को। ये तो दोस्तों कुछ स्कैम हो गया हम लोग के साथ। देखे कितना ऊंचा खाई, उधर से ही आते बोल बम। चलिए दोस्तों इतना स्वैग भला हुआ का देख सकते हैं। अभी कितना दूर जाएंगे कुछ पता नहीं चल रहा है। अभी तो एक पहाड़ी क्रॉस हुए, तीन पहाड़ बाकी है। हर हर महादेव। तो देख सकते हैं गाइस एनर्जी इसका पूरा लो मोड पे चला गया है। आस्था फिर भी हाई लेवल पे है, आस्था फिर भी हाई लेवल पे है। पूरा थक गए हैं गाइस, मतलब समझ सकते हैं बोल भी नहीं पा रहे। बाप रे बाप, कोई नाटक नहीं हो रहा, एकदम सीरियसली हो रहा है। आप ही सोच सकते हैं ऐसा रास्ता में इतना मस्ती करने के बाद हम लोग का हालत खराब हो रहा है। लाओ तो दोस्त थोड़ा पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। कहे तो कहे क्या, देखा ये फट गया, पता नहीं आगे क्या क्या फटेगा। भोला बा कहाँ है? महादेव आ रहे हैं आपके सभी, देखते हैं कितना कष्ट आएगा, फिर भी आएंगे। ओए होए होए। दोस्तों पहाड़ के पैरेलल में आ गए हैं और इधर हम लोग जा रहे हैं। बहुत परिश्रम के बाद आधा अचीवमेंट मिला है, आधा अभी बाकी है। तो दोस्तों देख सकते हैं हुलिया एकदम बिगड़ गया है, पसीना पसीना धुला धुला। इधर मैं सनी दोस्त, इधर विजय जी, और एक तो इतना दुख है ऊपर से बाइक वाला गर्दा उड़ा के चला जाता है ऐसे रास्ता में, क्या होता है। चलो बहुत ही खतरनाक स्थिति, देखिए कितना गर्दा उड़ेगा, देखिए गर्दा देख रहे गाइस। जले पे नमक छिड़कना इसी को कहते हैं, इतना सारा गर्दा उड़ा के चला जाता बाइक वाला सब। हम लोग का फेफड़ा सूख रहा है गर्दा खा खा के। चलिए देख सकते हैं दोस्तों कितना शॉर्टकट रास्ता है, पूरा हालत खराब हो गया है। हम क्या बताएं, बता नहीं सकते। ओहो देखो दोस्तों कैसे पानी भर रहे हैं। विजय जी कैसे पानी भर रहे हैं दिखाइए, इधर पूरा नेचुरल वाटर। तो देख सकते हैं आगे कहीं कुछ नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं। गए घूमे छी
इतना थक गए हैं दोस्तों कि कुछ बोल नहीं सकते, बस देखिए कितना डेंजर रास्ता है। तो दोस्तों छत्ता पहाड़ पे पहुंच चुके हैं, अभी 5 बज रहा है शाम के, तो चलिए देखते हैं कितना बजे पहुंचते हैं नागरखोला। ओके दोस्तों, छत्ता पहाड़ पे तरपत्ता मिल रहा है एकदम अच्छा से, ऐसे देखिए तरपत्ता पे हम चल रहे हैं। मतलब इतना यहाँ पे है कि कोई कमी नहीं है, ट्रैक्टर से लाद के जरा नीचे गिरा हुआ है एकदम। आते आते दोस्तों पहुंच गए खड़ा चट्टान पे, मतलब इतना नीचे है चट्टान, इतना ऊपर है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए नागरखोला, और जो जो लोग सब आया है बाइक से, सब अपना अपना कैंपिंग टेंट लगा रहा है इधर साइड में। आगे दिखाते हैं चलिए कैसा व्यू है वहाँ का, कितना सारा भीड़ है। तो चलिए दोस्तों, मतलब बाइक से बहुत लोग आए हुआ है, तो सब अपना अपना कैंपिंग टेंट लेके आया है, अपना व्यवस्था लेके आया है। अब चलिए दिखाते हैं आगे का क्या सीन है। बस पहुँच ही गए हैं, इधर देख सकते हैं सब अपना अपना। सब अपना अपना व्यवस्था लेके आया है, मतलब पूरा ग्रुप कैंपिंग बोल सकते हैं, ग्रुप में सब कैंप लगा के रहता है, खाना बनाता है। चलिए दिखाते हैं, ये बहुत ही 5:44 हो रहा है और इतना लेट लग गया आने में। चलिए दिखाते हैं आगे का नज़ारा। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं यहाँ का ओवरऑल व्यू नागरखोला का, सब अपना अपना व्यवस्था लेके आया है, कैसे यहाँ पे रहता है सब, आज पूरा रात सब यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ का मेला है। देख सकते हैं पूरा मेला लगा हुआ है, यहाँ का स्टॉल सब, इधर पानी पीने का व्यवस्था, इधर खाने पीने का, इधर बाइक लगा हुआ है। इधर पहले सीढ़ी नहीं बना हुआ था, खोल लिया, अब चलते हैं बाबा के पास। देख सकते हैं तो दोस्तों चलते हैं आगे, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, नीचे आने का पूरा वीडियो बना लिए कैसे दर्शन किए उसका। दोस्तों ये है महाशिवरात्रि, मतलब महाशिवरात्रि का मेन
मेन मजा यहाँ पे है नांगर खोला में। तो मतलब दूर दूर से लोग सब आए हुआ है, सब अपना अपना व्यवस्था करके बोन फायर करके सब अपना यहाँ पे मतलब ऐसे खुला आसमान के नीचे सब सोएगा, देख सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पे आज रात गुजारेंगे खुला आसमान के नीचे, और महाशिवरात्रि का जो मेन मजा है वो आज हम लोग लेने वाले हैं। तो महाशिवरात्रि क्यों बोला जाता है देखिए, सब शिव भगवान के शादी में आए हुआ है ऐसे खुला आसमान के नीचे सोने के लिए। इधर बोन फायर हो रहा है और ये लोग और ये इतना फालतू हल्ला कर रहा है भाई। तो चलिए सेल्फी। इसी गुफा में है भोला बाबा। चलो आयो तो बताइए हम छिड़ रहा सब लागे एक ग्लास लागे तो गुफा में बाबा जय बाबा जय श्री बाबा। तो दोस्तों यही रहा नांगर खोला का ओवरऑल व्यू, देख ही सकते हैं कितना भीड़, कितना छोटा सा गुफा है वहाँ। दोस्तों कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट में बताइएगा। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसी व्यू के साथ व्लॉग करते खत्म, क्या ब्यूटीफुल सा नजारा है। अगर सुकून कहीं है तो यहीं है, दिल को राहत मिला।